आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एक्सेल में एक महत्वपूर्ण फीचर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है फिल्टर। और ये आपको दो जगह पर मिलेगा, एक होम टैब पर मिलेगा, ये आपको दिख रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें जो ये फिल्टर ऑप्शन है ये हम देखेंगे आज, क्लियर है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और दूसरा ये ऑप्शन आपको मिलेगा डेटा टैब के अंदर, क्लियर है। डेटा टैब के अंदर भी आपको फिल्टर ऑप्शन मिलेगा। और बैच 3 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ ऑप्शंस के बारे में प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिल्टर ऑप्शन के बारे में। फिल्टर ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ डेटा दिखा रखा है आपको। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, कोर्स और कुछ एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे करना ये है कि फिल्टर का मतलब होता है कि आपके पास अगर बड़ी लिस्ट है तो इसमें से कुछ लिस्ट को छांटना जो हमको डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर BCA, BBA सब मिक्सअप है, मुझे सिर्फ PGDCA वालों की लिस्ट देखनी है। मुझे देखना है कि सिर्फ PGDCA में कितने स्टूडेंट हैं जो PGDCA के हैं, ऐसी लिस्ट देखनी है। तो मुझे फिल्टर करना होगा, फिल्टर का मतलब है छांटना, बाकी सारा जो डेटा है वो मुझे हटाना होगा, या फिर वो डिलीट नहीं होगा, केवल हम उसको हटा देंगे, हाइड हो जाएगा वो डेटा, क्लियर है। तो ऐसा ऐसे ऑप्शन को हम बोलते हैं फिल्टर, क्लियर है। तो देखिए मैं इस बड़ी लिस्ट में, ये उतनी बड़ी लिस्ट भी नहीं है बट है बड़ी लिस्ट, 100 से ज़्यादा नाम है इसमें, क्लियर है। तो इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ PGDCA वालों की लिस्ट देखनी है। तो मैं फिल्टर ऑप्शन लगाऊंगा। फिल्टर ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा हमें, मैंने यहाँ पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है। और डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा होम टैब में और फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, या फिर डेटा पे जाएंगे फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो इसकी टॉप वाली हेडिंग होती है, हेडिंग में यहाँ पर एक छोटा सा एरो आ जाता है, क्लियर है। तो मैं फिल्टर ऑप्शन तो यहाँ पर मैं इसको फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोटा छोटे एरो आ जाएंगे इसके हेडिंग में। तो जैसे मैंने फिल्टर पे क्लिक किया ये ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल 135 नेम जो हैं इसमें से मुझे सिर्फ PGDCA वालों की लिस्ट चाहिए। तो कोर्स में मैं फिल्टर लगाऊंगा, यहाँ पर कोर्स में मैंने क्या किया, फिल्टर लगाना है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, मुझे सिर्फ किसकी लिस्ट देखनी है, सेलेक्ट ऑल को मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर देखूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ PGDCA की लिस्ट दिखेगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए MCOM, ये PGDCA। सिर्फ एक पे मैंने टिक किया है, बाकी सबको हटा दिया है टिक, क्लियर है। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए ये फिल्टर हो जाएगा, सिर्फ ऐसे लोगों की नाम दिख रहा है मुझे जो सिर्फ PGDCA वाले हैं, देखिए। और टोटल मैं काउंट भी ले सकता हूँ कि PGDCA से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, यहाँ पर काउंट आपको दिख रहा है 33। PGDCA से 33 लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, ऐसा ये डेटा शो कर रहा है, क्लियर है। अब मुझे ये देखना है कि फिल्टर में कि OBC कैटेगरी और PGDCA वाले कितने हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो PGDCA के हैं और OBC कैटेगरी के हैं। तो पहले मैंने मुझे दो दो फिल्टर लगाना पड़ेगा। कोर्स में मैंने फिल्टर लगाया है PGDCA, अब देख पा रहे हैं कि PGDCA को मैंने फिल्टर कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ PGDCA का डेटा दिख रहा है, क्लियर है। अब मैं सॉरी आपका इसमें कर देता हूँ, कैटेगरी में कर दूंगा मैं क्या, मुझे OBC देखना है और OBC में फीमेल भी देखना है। तो चलिए मैं देख रहा हूँ कि PGDCA से फीमेल OBC कैंडिडेट कौन कौन है और कितने हैं, क्लियर है। जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए PGDCA से 13 कैंडिडेट जो है फीमेल और OBC के हैं, उनके नाम यहाँ पे फट से दिख गए। तो अगर मुझे बोला जाए कि ऐसे स्टूडेंट्स के नाम बताइए जो ST कैटेगरी के हैं और PGDCA से हैं, तो मैं यहाँ से फट से फिल्टर करके दिखा सकता हूँ। अब जैसे मेरा रिक्वायरमेंट है कि OBC कैटेगरी के BCA के कितने फीमेल कैंडिडेट हैं, मुझे लिस्ट देखनी है, BCA की क्लास में मुझे उनका नाम भेजना है, क्लियर है।
तो आप यहाँ से सबसे पहले फिल्टर हटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फिल्टर हटा दिया, यहाँ से भी फिल्टर हटा दिया, सेलेक्ट ऑल कर दिया, पूरे नाम दिखने लग गए। केवल हाइड होता है वो डेटा, डिलीट नहीं होता है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, बीसीए थर्ड ईयर फीमेल ओबीसी कितने स्टूडेंट है, मुझे सिर्फ वो डेटा देखना है। तो मैं यहाँ पर कैसे फिल्टर लगाऊंगा, कोर्स में जाऊंगा, बीसीए थर्ड ईयर, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर डी सेलेक्ट कर दीजिए सबको, और बीसीए आपको यहाँ देखना होगा, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। बीसीए थर्ड ईयर मैंने ले लिया, तो बीसीए थर्ड ईयर के सारे स्टूडेंट यहाँ दिखाई देंगे। बीसीए थर्ड ईयर से केवल 5 स्टूडेंट है, आप देख पा रहे हैं 5 है। अब मुझे फीमेल ओबीसी देखना था, तो मुझे यहीं पे दिख रहा है कि 2 हैं, चंचल और विजेता, क्लियर है। लेकिन फिर भी मैं इसको फिल्टर करके दिखाता हूँ कि जब मैं यहाँ पर फीमेल और ओबीसी लूंगा तो चंचल और विजेता 2 नाम मुझे दिखाई देंगे। ऐसा मैंने किया 135 जो नाम की लिस्ट थी उसके साथ किया। अगर यहाँ पर 10,000 नाम की लिस्ट भी होती तो मुझे सिर्फ यही प्रोसेस करना होता और फट से लिस्ट यहाँ पर फिल्टर होके आ जाती। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि इन सभी स्टूडेंट्स में से कितने लोग दुर्ग में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया कि कितने लोग जो है दुर्ग में रहते हैं, तो इनका जो एड्रेस है उससे मुझे पता चलेगा, ये दुर्ग में रहता है, ये दुर्ग में रहता है, ये दुर्ग में रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग छाटते हैं। अब मैं बोलूं अगर मैं आपको ये लिस्ट पेपर पर प्रिंट करके दे दूं और 100 नाम है, मैं बोलूं कि इनमें से कितने स्टूडेंट दुर्ग के हैं, तो आपको छाटने में करीब 15-20 मिनट लग जाएगा। तो आपको छाटने में 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन कंप्यूटर उसको कैसे छाटेगा देखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को छाटने के लिए हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फिल्टर का यूज किया मैंने। टेक्स्ट फिल्टर में एंड्स विथ, और एंड्स विथ में मैं लिखूंगा दुर्ग। तो देखिए ये दुर्ग के जितने कैंडिडेट है, देखिए दुर्ग 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 दुर्ग, तो यहाँ पर आपके पास इतने सारे कैंडिडेट हैं जो दुर्ग से हैं, और मैं इनका काउंट भी निकाल सकता हूँ। देखिए मैं इसको सेलेक्ट, जैसे ही सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इनका काउंट यहाँ पर आपको दिखाई देता है। 77 स्टूडेंट जो है दुर्ग में रहते हैं। तो इस टाइप से फिल्टर ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ पर सारी डिटेल्स को देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं फिल्टर ऑप्शन को शुरू से।